मौसमी, यही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स को बड़ी बारीकी से कवर करती हैं। एक अधिवेशन के पहले अगर इस तरह से नारेबाजी हो जाए तो ये उस अधिवेशन का टेम्पलेट सेट कर देती है या मनोबल गिरा देती है, जिस तरह से एक बड़े नेता को फिलहाल डिप्लेन कर लिया गया, पूछताछ किया जा रहा है, या जैसे नारेबाजी में जोश यहां दिख रहा है, एक बड़ा मुद्दा दे दिया, अधिवेशन का भी पूरा टेम्पलेट सेट हो गया यहां से। जी बिल्कुल, देखिए अधिवेशन के लिए अधिवेशन चर्चा में रहता नहीं रहता, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव नहीं होने वाला है, होने वाला है, इक्का दुक्का खबरें बनती, पर ऐसे जैसे प्लेन पर जाने से पहले पवन खेरा को रोका गया है तो अपने आप में मामला बेहद सियासी रूप से तीखा हो चला है। और आप ये देखिए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम कार्य समिति के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, आपको तस्वीरों में इंडिगो की फ्लाइट लेते हुए तमाम पत्रकार भी थे, इसलिए आप विजुअल्स भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मामला घटा, तुरंत ये खबर बाहर लीक हो गई। ये मामला उसी तरीके का लग रहा है जिस तरह से लोकसभा में जब राहुल गांधी ने, शुभांकर, अगर हम सियासी रूप से देखें तो राहुल गांधी ने जब बयान दिया, जब अपनी स्पीच पढ़ी, तो एक्सपंज तो 5 घंटे बाद हुई, लेकिन तब तक आग आग की तरह उनकी स्पीच अखबारों में, टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट हो गई थी। तो इस मामले में भी आप देखें कि जिस तरह से पवन खेरा को डिटेन किया गया है, बीजेपी इसको भावनात्मक मुद्दा बना रही है कि प्रधानमंत्री पर एक बिल्कुल पर्सनल अभद्र टिप्पणी की गई है, कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि देखिए किस तरह से एजेंसी और पुलिस को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलचस्प इसमें ये है कि राहुल गांधी कल बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे सरनेम का मजाक उड़ा रहे हैं, और उन्होंने शिलोंग में ये बात की कि मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ, अडानी की बात कर रहा हूँ, और वो मेरे सरनेम का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा कि आपका सरनेम नेहरू क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा मुझ पर निजी रिमार्क करते हैं, और वहीं उनके मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन इस तरह का अगर प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर अगर टिप्पणी करते हैं तो अपने आप में बीजेपी को ये एक बड़ा हथियार मिल जाता है, जिस तरह से पवन खेरा ने जो उनका नाम लिया, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सरनेम बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की ये सियासत जो छिड़ गई है, इसमें सब नेता आग में घी डालने का काम करने में जुट रहे हैं। अब दोनों तरफ से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, कौन मामले को भुना पाता है, कितना उठा पाता है, ये सवाल लगातार बरकरार है। जी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन जरा ये नारेबाजी जो हो रही है ये हम दिखा रहे हैं एक बार, इसमें जरा सुनवाते हैं एक बार नारेबाजी हो क्या रही है। तो नारेबाजी आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही सारा हंगामा जो है देखने को मिला, इससे अधिवेशन को बूम मिलेगा या फिर उसका मनोबल गिरेगा।